नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। लगवाना हुआ अपना छोरा, दे दो नोटों का बोरा और पेपर छोड़ दो कोरा, ये किसी फिल्म का गाना या किसी फिल्म का डायलॉग नहीं बल्कि कांग्रेस की युवा आक्रोश रैली में भाजपा सरकार पर साधा गया निशाना है। ये शब्द राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा सोनीपत में आयोजित युवा आक्रोश रैली में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करते हुए कही गए। इस अवसर पर उन्होंने भ्रष्टाचारी, बढ़ती बेरोजगारी और अपराध पर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नहीं, 2014 से पहले जब प्रदेश में कांग्रेस का राज था तब प्रदेश पूरे देश में नंबर वन पर था, परंतु आज स्थिति गिरते गिरते बहुत दयनीय हो गई है। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा आज सोनीपत में आयोजित युवा आक्रोश रैली में पहुंचे, जहां पर उन्होंने भाजपा सरकार द्वारा करवाए गए कार्यों पर जमकर निशाने साधा। उन्होंने कहा कि आज महंगाई पिछले 70 वर्षों में अपने चरम पर है, आज प्रदेश बेरोजगारी में नंबर वन, अपराध में नंबर वन और कई ऐसे ही अन्य मामलों में नंबर वन पर चल रहा है, जबकि दिल्ली के नजदीक होने के नाते हरियाणा की स्थिति बहुत उच्च स्तर की होनी चाहिए थी। सोनीपत से हमारे संवाददाता विकास ओहलियान की रिपोर्ट। देश की सबसे बड़ी पंचायत में आपके आशीर्वाद से मुझे वहाँ देश की राजनीति को समझने का, देखने का मौका मिला है। इतना बड़ा व्यापम का घोटाला मध्य प्रदेश में, जिक्र था व्यापम में घोटाला हो गया, 20 पेपर लीक हो गए, व्यापम का घोटाला, देश की सरकार हिल गई थी, मध्य प्रदेश की सरकार चली गई थी। हरियाणा में 30 से ज्यादा पेपर लीक एक के बाद एक, और केवल पेपर लीक नहीं, जहां से वो पेपर बन रहे हैं HPSC और HSSC, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन, वहां नौकरी, ऐसा लग रहा है नौकरी की बेचने की दुकानें चल रही हैं। अभी छापेमारी हुई, आपने देखा होगा, जो पेपर लीक हुए, जिस कंपनी के माध्यम से चेक कराए जाते थे पेपर, उसी कंपनी को एक बार हटा के दोबारा दे दिया गया, कोई उस पर इंक्वायरी नहीं, उनको दोबारा क्यों दे दिया गया। मगर उसके बाद जब बहुत बड़े बड़े अलग अलग प्रदेशों के अंदर गिरोह के कुछ सदस्य पकड़े जाने लगे, क्योंकि इसके तार हरियाणा भर्ती घोटाले के तार पूरे देश में जुड़े हुए हैं, कोई कश्मीर में पकड़ा गया तो कोई नोएडा में पकड़ा गया, तो पकड़े जाने लगे, तो दबाव में छापेमारी हुई, और जब छापेमारी हुई तो 3,60,00,000 रुपए एक डिप्टी सेक्रेटरी, HPSC के एक डिप्टी सेक्रेटरी, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं, डिप्टी सेक्रेटरी की कोई पद नहीं होता, ये पद बनाया गया और फिर ये अनिल नागर जो लगे थे उनको लगाया गया। पहले पद बनाया गया, कभी पद नहीं था, मुख्यमंत्री जी ने स्पेशल पद बनाकर और इनको लगा दिया, लगाया गया। और जब छापेमारी हुई उनके दफ्तर में, जब छापेमारी हुई तो 1,25,00,000 के करीब तो उनके दफ्तर से पकड़ा गया। बताओ कितनी खुली लूट। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।